क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दीर्घवृत्त दिया है, जिसका समीकरण यहाँ पे दिया है कि अंतर्गत उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा है। चलिए इसको मैं पहले फिगर बना लेता हूँ, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग दीर्घवृत्त में आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए इसके लिए मैंने एक्स अक्ष वाई अक्ष ले लिया, ये आपका एक्स हो जाएगा, इधर आप एक्स डैश लिख दोगे, ये आपका वाई है और नीचे आपका ये वाई डैश। मैं यहाँ पे एक दीर्घवृत्त बना लेता हूँ इस तरह से, ये आपका दीर्घवृत्त हो गया। अब दीर्घवृत्त का जो इसके अंदर जो समद्विबाहु त्रिभुज बना है तो उसका एक सिरा जो है ना दीर्घ अक्ष के एक सिरा है, तो ये हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, ठीक है, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेता हूँ, मान लेता हूँ कि यह वही समद्विबाहु त्रिभुज है, समझे ना, मैंने ये मान लिया कि यह वही समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें महत्तम निकालना है। तो यहाँ का निर्देशांक, यहाँ पे दीर्घवृत्त का समीकरण दिया ना जी, दीर्घवृत्त का समीकरण, दीर्घवृत्त का समीकरण जो दिया हुआ है वह क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टा में ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बट्टा बी स्क्वायर बराबर में वन। तो यहाँ का निर्देशांक ए कॉमा जीरो हो जाएगा और ये निर्देशांक क्या होगा, जीरो कॉमा बी हो जाएगा, ये ना होगा जी। चलिए अब देखिए, इसको मैं पी मान लेता हूँ और इस बिंदु को मैं क्यू मान लेता हूँ। तो अभी इन पी और क्यू का भी निर्देशांक चाहिए, ये तो मैंने इसका दिखाया ना, इस पी और क्यू का निर्देशांक हमें पहले निकालना होगा, ठीक है। अब समझिए इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो दिया है आपका दीर्घवृत्त का समीकरण, इसे मैं एक्स बटा ए का होल स्क्वायर और प्लस वाई बटा बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना, बराबर में वन। एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में वन होता है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं कॉस मान लेता हूँ और इसको साइन मान लेता हूँ, तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन के बराबर है, इसी पे सेट हो जा रहा है ना जी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे कॉस थीटा बराबर में एक्स बट्टा ए और साइन थीटा बराबर में वाई बट्टा बी। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा और वाई का वैल्यू आ जाएगा बी साइन थीटा। तो यहाँ से इसका पी बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, क्योंकि यह एक वैसा बिंदु है जो दीर्घवृत्त पर स्थित है, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा ए कॉस थीटा और कॉमा बी साइन थीटा। तो पी का निर्देशांक आ गया, तो क्यू का उसका निगेटिव में ही हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रतिबिंब ही है ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा, ठीक है, समझ गया ना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ। चलिए इसका इस शीर्ष का भी नाम ए दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। अच्छा, इसका निर्देशांक ए कॉस थीटा और बी साइन थीटा होने का मतलब है कि यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी क्या है आपकी, ए कॉस थीटा है और ये वाली जो दूरी है आपकी बी साइन थीटा है, समझ गए ना। अगर मैं यहाँ पे कोई बिंदु दे दू डी और इसको ओ लिख दू, तो यहाँ ओ डी कितना है, वह एक्स नियामक यानी ए कॉस थीटा, और आपका पी डी कितना हो जाएगा, पी डी आपका हो जाएगा कितना, ये पी डी कितना हो जाएगा जी, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा हो जाएगा, पी डी आपका बी साइन थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसे, कोई दिक्कत नहीं है जी। और तो डी भी आपका वही हो जाएगा, सॉरी डी क्यू, डी क्यू भी आपका वाई नियामक, इसका आपका ये हो जाएगा बी साइन थीटा। यानी कि मैं यहां से P से Q की दूरी की बात करूं तो PQ टोटल हो जाएगा 2B साइन थीटा, 2B साइन थीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, 2B साइन थीटा हो जाएगा, क्लियर है। आप चलते हैं त्रिभुज, क्या नाम है इसका, APQ का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल महत्तम होना चाहिए समद्विबाहु त्रिभुज का, ये हमें दिखाना है। A फॉर एरिया क्या हो जाएगा, एक बट्टा दो, आधार होगा PQ और ऊंचाई हो जाएगी AD, एक बट्टा दो, पी क्यू के मान की बात करें, पी क्यू यह वाला, तो यहां पर ये रहा 2b साइन थीटा। अच्छा, और AD के मान की बात करें तो ये टोटल यहां से यहां a है, टोटल a है, और OD को घटा देंगे तो नहीं हो जाएगा, यानी कि a में से OD को घटा दो, OD कितना है आपका a cos थीटा। चलिए अब मैं यहाँ पे दोनों जगह ये है तो ये को कॉमन कर लेता हूं और ये टू से टू कर जाएगा, तो एरिया बराबर में हो जाएगा ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, समझ रहे हैं ना। अब मैं इसे डिफ्रेंसिएट करने वाला हूं, ठीक है, चलिए लिखते हैं, ए बी कॉन्स्टेंट है यहाँ, डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा,
यहाँ डी ए बटा में डी थीटा बराबर, ये भी तो कॉन्स्टेंट है, इसको यू इंटू वी पे करते हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा इंटू में आपका वन माइनस कॉस थीटा रहेगा ही और प्लस साइन को वैसे ही रख के और इसका डिफरेंशिएशन तो कॉस का माइनस है तो यहाँ प्लस माइनस पहले से है तो साइन थीटा हो जाएगा। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है। डी ए बटा में डी थीटा बराबर में ए बी, अंदर देखो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना। अब देखो डी ए बटा में डी थीटा बराबर में ए बी, मैं इस कॉस स्क्वायर कैसे छोड़ता हूँ, साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज कर लेता हूँ कॉस थीटा। एक काम करो ना, यहाँ से माइनस कॉमन कर लो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा तो ये कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस कॉमन करते ही हो जाएगा ना जी। चलिए देयरफॉर डी ए बटा में डी थीटा बराबर में जीरो रखेंगे। चलिए देखते हैं ए बी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बराबर में जीरो, तो ये जाके भाग कर जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बराबर में जीरो, ऐसे लिख सकते हैं ना जी, कोई दिक्कत नहीं है इसे। तो देखो अगर मैं इसको उधर भेज दू तो कॉस थीटा बराबर कॉस टू थीटा हो जाएगा, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ फॉर्मूला लगाकर। यहाँ से आपका थीटा किसके बराबर हो जाएगा, टू थीटा के बराबर, कॉस को हटा दिया तो ऐसे हो जाएगा ना, यानी यहाँ से आपका यहाँ के ये इसी को उधर लेके चल जाओ तो थीटा का मान जीरो हो जाएगा। इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं होगा। अब कहोगे कैसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर आप थीटा के जगह जीरो रखते हो, जो थीटा दिया है वो जीरो रखते हो, तो जीरो रखने से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ जो देखो ये जो क्षेत्रफल होगा यहाँ पे, अगर जीरो रखते हो कॉस थीटा का मान जीरो रखते हो तो साइन का, तो कॉस थीटा जीरो रखते ही कॉस जीरो का वन हो जाएगा, वन में से वन जीरो, यानी कि क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें अभी दूसरे रूप में लेना होगा, कॉस थीटा बराबर मैं यहाँ पे कॉस 360 माइनस थीटा भी तो कर सकता हूँ, 360 माइनस टू थीटा, कॉस 360 माइनस टू थीटा भी कॉस टू थीटा के बराबर ही होता है, यहाँ कॉस को सच गया थीटा बराबर 360 माइनस टू थीटा, इधर ले जाएंगे तो थ्री थीटा हो जाएगा बराबर में 360, तीन जाएगा भाग में तो थीटा का वैल्यू कितना जाएगा 120 डिग्री, तो थीटा का मान 120 तो आ गया, लेकिन अभी इस पे देखना होगा कि महत्तम हो रहा है कि नहीं। तो चूंकि डी ए बटा में डी थीटा का मान हमारा पास है ए बी ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा, ए ना, चलिए अब इसे फिर से डिफ्रेंसिएट करते हैं, अगेन डिफ्रेंसिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ से डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा का स्क्वायर बराबर ए बी कॉस का माइनस साइन, यहाँ कॉस का माइनस साइन होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा साइन टू थीटा, टू थीटा का टू। चलिए अब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 120 है ना, तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री पर डी स्क्वायर ए बटा में डी थीटा का स्क्वायर बराबर में ए बी क्या हो जाएगा, माइनस का साइन 120 और प्लस में 2 साइन 2 इंटू 120। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी साइन 120 की बात करें ना, तो देखो इसे मैं 180 माइनस 60 या 90 प्लस 60 कर सकता हूँ, माइनस साइन 90 और प्लस में 30, सॉरी 90 प्लस 30 कर सकता हूँ, और ये हो जाएगा साइन 240 ना, तो मैं इसे साइन 270 माइनस में 30 कर सकता हूँ, कर सकता हूँ ना जी। अब देखिए ए बी ब्रैकेट में यहाँ पे देखो साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वार्टर में चल गया, यानी कि ये पॉजिटिव होता है, साइन 30 हो जाएगा, कॉस हो जाएगा, सॉरी साइन का चेंज हो जाएगा ना जी, वाई एक्सिस पे जा रहा है, तो कॉस 30 माइनस का और प्लस 2 270 माइनस 30, तो 270 वाई एक्सिस पे ही है, चेंज हो जाएगा साइन का कॉस, कॉस 30 ये सेकंड क्वार्टर में आने की वजह से माइनस में रहेगा, ठीक है। तो यहां से ये माइनस का 2 कॉस 30 और ये माइनस का कॉस 30, तो ये माइनस का ए बी माइनस माइनस ये आपका 3 लिख दूं क्या, माइनस का 3 ए बी माइनस का 3 ए बी कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू जानते हैं ना क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू होता है रूट 3/2, ठीक है, यानी कि ये आ गया माइनस का 3 रूट 3/2 है ना, ए बी जो कि जीरो से छोटा है, इसलिए थीटा बराबर 120 पर जो आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है महत्तम होगा, महत्तम होगा।
तो थीटा का मान आ गया। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या था ऊपर, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे ऊपर हम लोग लिखे हैं क्या है जी आपका, तो क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास, ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा। चलिए इसको ले लेते हैं, ए बी क्या था जी, फिर से देखना पड़ेगा एरिया क्या था, ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा ब्रैकेट में वन माइनस कॉस थीटा 120 रखना है ना, ए बी साइन 120 ब्रैकेट में वन माइनस कॉस 120। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ए बी साइन 90+30 और ब्रैकेट के अंदर वन माइनस कॉस 90+30। चलिए ये कॉस साइन में बदल जाएगा, सॉरी साइन कॉस में बदल जाएगा, कॉस 30 हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है पॉजिटिव होता है, जानते हैं ना जी पॉजिटिव होता है। अच्छा वन माइनस यहां देखो कॉस 90+30 ये सेकंड क्वाड्रेंट में चल गया, चेंज हो जाएगा कॉस का साइन में, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के कारण ये कॉस जो है किसमें होता है, माइनस में होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ए बी कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है और ब्रैकेट में 1+sin 30 का 1/2, इधर एलसीएम लेकर जोड़ लेते हैं तो 3/2 हो जाएगा, तो आ जाएगा 3√3/4 ए बी वर्ग इकाई, ये आपका क्षेत्रफल यहाँ से ये आ गया, समझ गए ना। तो इस वीडियो को हम लोग यही पेंट करते हैं, आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, ठीक है। दूसरा है भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, रवि कांत सर। और तीसरा चैनल है रवि कांत सर के नाम से, रवि कांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे, और वहां से आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।